So welcome back the next question we have is uh, from geography section and it's uh, basically discussing the impo uh, important choke points uh, uh, which are important in, uh, in connection with the international trades mention the significance of such trades and isthmus in international in international ट्रेड ठीक है न सो वी हैव टू मैंशन इट्स सिग्निफिकेंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड्स एंड इस्थमिक्स इंटरनेशनल ट्रेड में इनका क्या सिग्निफिकेंस है दिस इज वट वी विल बी मैंशनिंग बट द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज हेयर क्योंकि ज्योग्राफी का है एंड लोकेशन पे बेस्ड है तो मैप इज समथिंग नेसेसरी विच वी विल बी ड्राॅइंग हेयर इन दिस क्वेश्चन वन थिंग Second thing, uh, we have to understand the meaning of straits and isthmus. Basically, if we have two large water bodies, for example, here I have a water body, and this is the water body, and here I have another water body. We have two water bodies, and these are being connected uh, by a channel, by a narrow channel, and here we have land. Suppose, assume here it's land, and रेस्ट हेयरलैंड तो जहां पे दो वाटर बॉडीज को जो है एक नैरो वाटर चैनल जो है कनेक्ट कर रहा है जो नेरो जो है एक वाटर बॉडीज़ जो नैरो नेक्स्ट से जो कनेक्ट हो रही हैं दो बड़ी वाटर बॉडीज वी आर कॉलिंग स्ट्रेट्स ठीक है ना इट्स सिंपल एंड ऑन अदर साइड इफ वी हैव टू लैंड पार्ट फॉर एग्जाम्पल हेयर आई होन लैंड पार्ट एंड हेयर आई हैदर लैंड पार्ट ठीक है ना इस लैंड पार्ट को जो जहाँ पे जो है एक कोई जो है पोर्शन जो है एक आ, स्ट्रिप सी जो कनेक्ट कर रही है दो बड़े ठीक है सो so, पे जो है आ, आ, हम जो है अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पे ठीक है ना तो इंट्रोडक्शन हमारी होगी क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन में जो है पहले तो हमें स्ट्रेट्स क्या होते हैं इस्थमस क्या होते हैं ये हमें डिफाइन करने होंगे राइट तो बेसिकली स्ट्रेट्स आर द नैरव वाटर बॉडीज स्ट्रेट आर द नैरो वाटर बॉडीज नैरो वाटर बॉडीज वाटर बॉडीज कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज ठीक है ना कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लार्ज वाटर बॉडीज ठीक वेयर एज एस्थमस ठीक है ना वेयर हैज एस्थमस एम यू एस एस्थमस आर नैरो पीस ऑफ लैंड आर नैरो पीस ऑफ लैंड ठीक है विथ ज्वाइंस टू लार्जर लैंड मासस ज्वाइन टू लार्जर लैंड मासस लैंड मासस ठीक है ना एंड सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज एंड सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज ठीक है तो एग्जाम्पल के तौर पे जो है आप जहां पे एग्जाम्पल देख सकते हो हमारे ऊपर जिस तरह से ये वाला है जिस तरह से जहां पे आप मेंशन कर सकते हो ये वाली जो है पनामा स्थमस पनामा इस्थमस थम्स जहाँ पे मैप ड्रा कर सकते हैं इस तरह छोटा सा पनामा इस्थमस दिखा सकते हैं जिसमें से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को बीच में जो लेंड्स की स्ट्रिप्ट ज्वाइन करती है ठीक है ना जहाँ पे पनामा कैनाल भी है ठीक है ना उसको हम स्ट्रेट कंसिडर करेंगे इस तरह जो है कैनाल के लिए आप जो है दूसरा जो है मैप जहाँ पर आप शो कर सकते हैं जिस तरह से हमारा जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी जो है एंड ठीक है ना इस तरह से ऊपर एंड जहाँ पे इस रीजन में आपकी कौन सी है स्विस कनाल ठीक है स्विस कनाल इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी को आपस में कनेक्ट कर रही है तो हम इसको क्या कहेंगे स्विस कनाल वाले इस मैप को ये हमारी क्या है स्ट्रेट स्ट्रेट है जे इसम है ठीक है हम चाहें तो इन दो के लिए ये मैप बना सकते हैं एंड देन विल प्रोसीड ऑन अवर क्वेश्चन ठीक है या फिर आ, अगर ये वाला हम नहीं बना रहे ठीक है ना अगर हम पूरा जो है वर्ल्ड का मैप बनाएं तो वो भी हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है ठीक है ना पूरे वर्ल्ड का जो अगर हम मैप बनाएंगे उसके अंदर जो है हम इम्पॉर्टेंट जो है दिखा सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे जो है या हम ये वाला बना देंगे ठीक है ना या हम ये वाला बना देंगे तो वर्ल्ड जब हमें मैप बनाना होगा तो तो ऐसे बनेगा हमारा ठीक है तो इसके अंदर जो है आप इंपॉर्टेंट चीजें जहां पे शो कर सकते हैं ठीक है ठीक यहां पे जो इम्पॉर्टेंट आपकी जो है जिस तरह कैनाल्स हैं यहां पे जो है आपकी ये वाली कौन सी है पानामा कैनाल पानामा कैनाल है आप लिखेंगे जय पानामा है ठीक है ना आ, इसके अलावा जो है आप स्विस कैनाल का जहाँ पे जो है आ, रेफरेंस दे सकते हैं तो स्विस कैनाल हमारी कहाँ पे होगी इस रीजन में होगी स्विस कैनाल ठीक है ना स्विस कैनाल ठीक है ना फिर इसके आगे थोड़ा आएंगे तो जहाँ पे बाबिल मंदप है आगे तो बाबिल मंदप ठीक है आ, ये हमारे हैं आ, फिर जहाँ पे जो है इस रीजन में आप देखेंगे तो जहाँ पे हमारा मलक्का स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट आप उसका ऑप्शन जहाँ पे दे सकते हैं ठीक है ना आ, इसके अलावा आप ऊपर पर्शन गल्फ़ में जाएंगे ये हमारा अरेबियन अगर ये प्लेट है तो जहाँ पे पर्शनल गल्फ होगा तो जहाँ पे जो है आप खरमोज स्ट्रेट को रेफर कर सकते हैं ठीक है ना इस तरह से जब आपको इस थमस रेफर करने होंगे तो आप जो है इस थमस जहां पे दिखा सकते हैं कि ये वाला पनामा स्थमस है ठीक है ना या फिर ये वाला जो है जहां पे ये वाला आ आ जो आपको दिख रहा है ये कारा कारास्थमस है ठीक है कारा कारास्थम कारा स्थमस तो जहां पे इस तरह से आप जो है इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं या ये वाला बना सकते हैं चाहे ये वाला बना सकते हैं दो में से कोई एक मैप जो आपको फास्टर बने आप वही वाला बना सकते हैं तो चलिए हमारे क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है नेक्स्ट आ, वो है आप जो है इसको लिख सकते हैं जहां पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स एंड इस्थमस ठीक है ना द सी लेंस इस तरह करके आप लिख सकते हैं जहां पे ठीक है तो चलिए सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ठीक है अब सिग्निफिकेंस हमें किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है इसने ठीक है ना सिग्निफिकेंस इसने पूछा है हमें इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट uh, में ठीक है ना तो हम इसको इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में ही लिखेंगे ठीक है तो दिस इज इंपॉर्टेंट की वर्ड है ठीक है जो हमें डायरेक्ट कर रहा है कि हमें किस दिशा में लिखना है ट्रेड तो सिग्निफिकेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड तो पहली जो चीज है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी पैसेज एंड मूवमेंट ट ठीक है ना तो so, सट्रेट so acts लाइक इंटरनेशनल वाटरवेज ठीक है एंड uh, isthmus are आर द बेस्ट for फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स एंड कैनाल्स दे हेल्प इन रिड्यूसिंग टाइम टाइम और डिस्टेंस टाइम एंड डिस्टेंस ठीक है ना और इससे हमारी जो नेविगेशनल एफिशिएंसी होती है एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज हो जाती है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे एग्जाम्पल तो मेंशन करना जरूरी है जिस तरह से आ, पनामा केनाल जो है ठीक है पनामा केनाल ठीक है एटलांटिक ओशन एटलांटिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ पैसिफिक ओशन के साथ ठीक है ना एंड जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर रहा है ईस्टर्न ईस्टर्न अमेरिका और जो है वेस्टर्न अमेरिका के बीच का डिस्टेंस जो है वो काम कर रहा है ठीक है ना आ, इस तरह से जो इस्थमस ऑफ पनामा है साउथ अमेरिका को स्थमस ऑफ जो पनामा है ठीक है ना वो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका के साथ जो है कनेक्ट कर रहा है जो डिस्टेंस है ठीक है ना टेरिस्टोरियल डिस्टेंस जो है वो इसकी वजह से काफी रिड्यूस हो रहा है ठीक है पैसेज एंड मूवमेंट हमने लिखा ठीक है तो अदर इंपॉर्टेंट आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकारबन्स यहां पे जो है आप एग्जांपल दे सकते हैं आ, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हरमोज हरमोज हमारी जिस तरह से है आ, इसको ये क्या कर रही है कि ये कनेक्ट कर रही है ऑयल रिच वेस्ट एशियन कंट्रीज टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ठीक है ना और इट इज द मेन लिंक फॉर साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू मीट देर एनर्जी डिमांड ठीक है ना तो एनर्जी डिमांड जो है मीट करवाने में जे एक जो है की रोल प्ले कर रहे हैं ठीक है ना फर्दर uh, चीज आप देखेंगे इसका की रूट्स एंड चौक पॉइंट्स चौक पॉइंट्स ठीक है ना अप्रोक्सीमेटली जो है आपका ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट ग्लोबल ट्रेड पासिस थ्रो द स्विज कैनाल एट इस्थमस ऑफ स्विज ठीक है ना स्विज कैनाल ठीक है ना जे कहा पे है एस्थमस ऑफ स्विज जो आपका कनेक्ट करता है ठीक है ना एटलांटिक रीजन को ठीक है ना इसके साथ इंडियन ओशन के साथ ठीक है साउथ अफ्रीका वाला जो लंबा डिस्टेंस है नीचे वाला ये वाला डिस्टेंस इसको बाईपास कर रहा है ठीक है ना तो हम जो है डायरेक्टली जहां से जहां पे जा रहे हैं एंड स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदब रिप्रेजेंटिंग थर्टी परसेंट ऑफ आल ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक एंड अवर वन ट्रिलियन वर्थ ऑफ गुड्स पर एन ठीक है ना तो थर्टी परसेंट ग्लोबल ट्रैफिक जो है पास होती है आ, बाबल मंदब आ, से आ, ठीक है और जो है वन ट्रिलियन की जो गुड्स हैं एनअली वो इन रीजन से इस स्ट्रेट से पास होती है ठीक है इस वाले रीजन से यहाँ से देन फर्दर नेक्स्ट थिंग यू विल बी मेंशनिंग रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी कंट्रीज लाइक रशिया डिपेंड हैवली ऑन स्ट्रेट्स फॉर ऑफ वॉस्फोरस कौन सा है बॉस फोरसोरस एंड ब्लैक सी इन आर्डर टू हैव आलवेदर पोर्ट फेसिलिटीज ठीक है ना तो जहां पर इसका जो वॉस्फोरसट्रेट है जहाँ पे ठीक है ना जो कनेक्ट कर रहा है जहां से रशियन को इस रीजन के अंदर जो है कनेक्टिविटी connecti, दे रहा है इस साइड में इस साइड में ठीक है ना फिर यहाँ पे जो है आ, जिब्राल्टर स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर वगैरह तो ये सभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं आ, कि ये चा चौक पॉइंट्स हैं ठीक है ना जिस तरह पूरी रेशिया को जो एक्सेस है इस जो है इन स्ट्रेट्स की वजह से जहाँ पे इस रीजन में मिल रहा है ऊपर आप देखेंगे तो मेजरली ये वाला जो हो है आर्टिक रीजन ये फ्रीज रहता है तो रशिया इन एरियाज में जो है जहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट इसको डिफिकल्ट पड़ता है दैट्स वाई ये जो है हैवीली डिपेंडेंट है तो चेक की चोक चौक पॉइंट्स हैं एंड uh, जो uh, uh, है इंपॉर्टेंट वे दिखे ठीक है ना स्ट्रैटजिक इनकी लोकेशन ने दिखाया तो स्ट्रैटजिक एन अदर चीज होगी तो विल राइट स्ट्रैटजिक एंड जियो पोलिटिकल आस्पेक्ट स्ट्रैटेजिक एंड जियो पोलिटिकल पोलिटिकल आस्पेक्ट ठीक है ना हाउ कंट्रोलिंग ऑफ एक्चुअली दीज नैरोज में आल्टर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कट एसेंशियल सप्लाईज ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ मलक्का स्ट्रेट एम ए एल ए डबल सी ए मलक्का स्ट्रेट ठीक है ना तो so, मलक्का uh, जो डिलीमा है फॉर चाइना मलक्का स्ट्रेट ओज मलक्का डिलीमा फॉर चाइना कंट्रीज लाइक इंडिया ऑस्ट्रेलिया आर फोकसिंग टू डेवलप कैनाल एकरास इस्थमस ऑफ ए करासन एंडा मानसी एंड गुल्फ ऑफ थाईलैंड ठीक है तो एक अल्टरनेटिव भी जहाँ पे जो है हम फिल्टर आउट करने की जहाँ पे इस रीजन में कोशिश कर रहे हैं ताकि एंडामान जो सी है इसको डायरेक्टली गल्फ़ ऑफ थाईलैंड के साथ जो है कनेक्ट किया जाए ताकि ये जो मलक्का स्ट्रेट है ठीक है ना मेजर जो ट्रेड है ईस्ट एंड वेस्टर्न वर्ल्ड की वो इससे यहाँ से पास हो रही है तो आ, कभी भी ये चोक पॉइंट कभी भी इसको चोक हो सकता है तो ये प्रॉब्लमेटिक जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बन सकती है ठीक है नियो रूट्स आप देखेंगे नियो रूट्स नियो रूट्स इन द बैकड्रॉप ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड कंसिक्वेंट मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक सी द इंपॉर्टेंस ऑफ बेरिंग स्ट्रेट हैज ग्रोवन मल्टीपल टाइम्स तो यहां पे बेरिंग स्ट्रेट ठीक है ना तो so, ये वाले जो है स्ट्रेट्स की हमने आ, यहां पे जो है इंपॉर्टेंट तरह से लिखे तो बेसिकली तो आपको करना क्या है जिस तरह से जियो स्ट्रेटजिक हमने लिखा रिलायबिलिटी का लिखा न्यू रोड्स लिखे चौक पॉइंट्स लिखे ठीक है ना मेजर uh, जो ट्रैफिक है जहाँ से पास होता है कनेक्टिविटी जो है ये इंश्योर करते हैं टाइम रिड्यूस करते हैं डिस्टेंस को कम करते हैं ये जो है हमें जहाँ पे जो है चेक हमारे पास एक जनरल पॉइंट्स हैं जो हम लिखते हैं बट द थिंग इज़ दैट कि हमें जो है जहाँ पे आ, आ, जो है इसकी जो है एग्जाम्पल्स का होना आ, जो है बहुत जरूरी है जिस तरह इम्पॉर्टेंट हमारे जहाँ पे इस रीजन में जो है डोवर स्ट्रेट होता है जहाँ पे पनामा आ, पनामा स्ट्रेट है ठीक है ना पनामा कनाल है एंड इस तरह से इस थमस है हमें पनामा ठीक है ना इस तरह से जहाँ पे हमें जिब्राल्टर का है ठीक है ना फिर वॉस्फोरस का है ठीक फिर आप नीचे जाएंगे इधर वाले रीजन में तो आस्ट्रेलियन वाले रीजन में वहाँ पर आपको कुक स्ट्रेट वगैरह मिलेगा ठीक है ना जहाँ पे आप देखेंगे आपका जो है हरमो स्ट्रेट का है इस रीजन में देन आपका स्विज केनाल का है देन जहाँ पे आपका जो है बाबल मंदब है ठीक है ना देन कारा स्थम्भस का हमने रेफरेंस दिया मुल्का स्ट्रेट का रेफरेंस दिया देन बेरिंग स्ट्रेट आपको जो है जहाँ पे देखने को मिलेगा बेसिकली ये सब जो है इम्पॉर्टेंट हैं जिनको हम जो है अपने एग्जाम्पल्स के अंदर साइड कर सकते हैं दो वी वुड हैव बीन नोइंग लेकिन हमें जो है जहाँ पे मेंशन करना होगा इस तरह से हम जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया को इस तरह से जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जहां से आपका पल्स ट्रेड जो है होके गुजरता है तो आ, दीज आर सम समय जो हमें जो है जहाँ पे मेंशन बेसिकली करना होगा टू फेच हायर मार्क्स जहाँ पे एग्जांपल्स जो ऑलरेडी हमें पता हैं उनको ही जो है आ, किसी को इकोनॉमिक एस्पेक्ट में किसी को जो है ट्रेडिंग के एस्पेक्ट में टाइम रिड्यूसिंग के एस्पेक्ट्स में जो है डिफरेंट तरह थेरापे हमें जो है जहां पे इनको मेंशन करना होगा ठीक है तो बेसिकली ये वाले हमारे जो थे पॉइंट्स थे ठीक है ना वेल uh, कनेक्टिविटी well, का हमने मेंशन किया स्मूथ रोडवे इंश्योर करते हैं ठीक है ना इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हमने इसका देखा रिसोर्सेज जो है स्पेशली जो है एनर्जी रिसोर्सेज इनकी वजह से जो है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है मूव uh, uh, कर रहे हैं ठीक है ना और uh, ये जो है कम्युनिकेशन को फास्ट कर रहे हैं स्ट्रेटिक पोजीशन है इनकी वर्ल्ड के अंदर ठीक है न बाकी जो है कल्चरल और मिलिट्री आउटपोस्ट्स वगैरह या मेलिंग पर्पसेस के लिए भी इनको हम यूज़ करते हैं ठीक है ना नेचुरल पोर्ट्स ट्रेड रूट्स कनाल्स वगैरह हम जो है इन एरियाज में डेवलप कर सकते हैं ठीक है ना तो ये हमारी जो थी इम्पॉर्टेंट जो हम पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते थे ठीक है ना हम इनको इनक्रीज करना चाहें तो हम जो है इनको और जो है जहाँ पे फर्दर जो है इनको हम इनक्रीज़ करेंगे अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की ठीक है ना तो कंक्लूजन हमारा कैसा होगा आ, आ, हम जो है कंक्लूजन इसमें लिखेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारे एक्चुअल में आ, ये जो जून के जो पर्टिकुलर एरियाज हैं इस्थमस या फिर आ, ये स्ट्रीट्स हैं इनका इकोनॉमिकली बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है लेकिन ये वाले जो एरियाज है इकोलॉजिकली एको, ये काफ़ी फ्रेजाइल भी होते हैं ठीक है ना सो तो अगर आ, ट्रेड का आवर यूज़ जो है या फिर एक्सेसिव ट्रैफिक अगर इन एरियाज में हम बढ़ाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी को ये वाले जो है अफेक्ट करते हैं ठीक है ना आ, तो जिसकी वजह से हमें जो है जहाँ पे जो है हमें फर्दर आगे चलते हुए इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आ, प्लानिंग करनी चाहिए ठीक है ना तो so, क्या लिखेंगे हम डिस्पाइट ऑल दीज सेग्निफिकेंसेज सेग्निफिक इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट दीज एरियाज़ आर इकोलॉजिकली इकोलॉजिकली फ्रेजाइल टू ठीक है ना एंड दे आर आवर यूज आवर यूज आवर यूज फॉर ट्रेड माइट हैव है अफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी ठीक है बायोडाइवर्सिटी तो